बिलावर भुट्टो हाय हाय 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 बिलावर भुट्टो ने जहाँ पर ये जो स्टेटमेंट दिया सही जैसे आतंकवादी और जिसमें उसने कहा दिखाया गया इस प्रकार कि हमारे देश का प्रधानमंत्री एक किसाई है बर्दाश्त नहीं करेगा और किसाई होने पर स्टैंड एंड टॉक इन द यूनाइटेड जब हमारे यहाँ के विदेश मंत्री ने लड़ाई के विषय के अंदर बात करी ये नहीं पता अरे सांप पालने वालों को सांप ही डसेगा नवीन शब्दों का उच्चारण हुआ उसने हमारे देश के प्रधानमंत्री को कसाई का अरे याद रखो श्रीमान बिलावल जी भूल गए पहले आप हम ये देखो आपने आत्मसमर्पण करा था तभी आपने दिया है 93 लाख तुम्हारे पुराण में हजार तुम्हारे यहाँ के जो फौजी थे उनको हमने पकड़ लिया था और ये समझौता हुआ और जनरल जैकब जनरल अरोड़ा और जनरल मानेकशॉ ने उस समय आपको नीचे बैठा कर ये बंदूक देखो ये बंदूक प्रमाण है एक जनरल की बंदूक को लेकर के आत्मसमर्पण करने का प्रयास कर और आज तुम इस तरह की बातें करने का प्रयास कर रहे हो जनरल जैकब को भूल गए जनरल अरोड़ा को भूल गए जनरल मानेकशॉ को भूल गए जिसने 93,000 फौजियों को पकड़ करके यहाँ पर आत्मसमर्पण कराया था आज देश के प्रधानमंत्री को गाली देना उसको किसाई बोलना ये कदापि बर्दाश्त नहीं है देश का प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय जिसने तुम्हारे दो फाड़ कर दिए थे तुम भूल गए आज इस तरह के शब्दों का उच्चारण करके हमारे देश के प्रधानमंत्री का अपमान करने का प्रयास करना चाहते हो ये कदापि बर्दाश्त नहीं है इसके विरोध के अंदर आज बिलावल भुट्टो का पुतला जला रहा हूँ और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ अरे दो फाड़ तुमको कर दिया आज तुम्हारे देश के अंदर 100 रुपए की एक रोटी बिक रही है और तुमने इतना कर्जा देना है कर्जे के ऊपर ब्याज पर भी कब्जा और इस तरह की बातें करके ये वाले शब्द तुमको उच्चारण करने का प्रयास कभी नहीं होना चाहिए आज देश हमारा मोदी सबसे ऊपर आज बाइडेन ने हमारा समर्थन करा है आज रूस ने हमारा समर्थन करा है और तुम्हारे पीछे एक अदना सा भी देश नहीं है इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ अरे ये देखो तुम्हारी बंदूक तुम्हारे जर्नल की बंदूक को आत्मसमर्पण करने का प्रयास करा था ये बंदूक हमने प्रूफ रखी हुई है आज ये बंदूक बताती है ये तुम्हारे अंदर दम क्या है 93,000 तुम्हारे फौजी हमारे कब्जे के अंदर थे और आज हमने उनको वहां से आपको छोड़ा था लेकिन आप इस तरह की बातें करके हमारे देश के प्रधानमंत्री का अपमान करेंगे ये कदापि बर्दाश्त नहीं होगा।